हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट वे ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि प्रीवियस 10 दिनों के अंदर, जैसे कि आपको पता है 10 दिन हुए मैंने ये चैनल बनाया, तो 10 दिन के अंदर मैंने जो भी स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर करे हैं उसमें से जो भी स्टॉक्स के पहले टारगेट या फिर सेकंड टारगेट अचीव हो रहा है वो मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें जो अभी मैं आपके सामने प्ले करूंगा, ये वो वीडियो है। देखिए, मैंने इसमें बिरला सॉफ्ट के बारे में बताया। अब इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। रिटेस्ट लिया और वहीं से भी बाउंस कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मेरे तीन टारगेट्स होने वाले हैं। दैट इज, पहला टारगेट होगा हमारा 436 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 481 का और थर्ड टारगेट होगा हमारा 585 का। अभी आपने यहां पे सुना कि इस वीडियो में मैंने ये स्टॉक 402 पे रेकमेंड किया था, यानी कि आप लोगों के साथ शेयर किया था, और मैंने ये बोला था कि मेरा पहला टारगेट होगा 436 का, विच वॉज 10% का ऑलमोस्ट टारगेट हमें पहला देखने को यहां पे मिल रहा था। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, ये देखिए 402 पे जहां पे मैंने दिया था वहां से इसने कितने का हाई लगाया। अगर आप इस लाइन को मैं मार्क कर दूं यहाँ पे, देखिए ये कैंडलस्टिक, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए इसने कितने का हाई लगाया, अगर मैं यहाँ पे लाइन मार्क करके आपको दिखाऊं, ये देखिए 443 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 402 से 443 ऑलमोस्ट 10% की रैली है। कितने दिनों में आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों के अंदर 10% की रैली। मार्केट में लोग इतना पैसा लेते हैं लोगों से, लोगों को अपना मतलब कोर्स में बुलाते हैं, सारी चीजें बताते हैं, ये बोलते हैं कि मैंने 3 महीना में 15% दिला दिया, 5 महीना में मैंने 20% दिला दिया, 2 महीना में मैंने 10% दिला दिया। लोग इतने बड़े बड़े लोगों से पैसे हैंठते हैं उन चीजों को लेके। बट आपके सामने यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल खोल के रखा हुआ है, 6 दिनों के अंदर 10% की रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दी है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर आप सही इंसान को फॉलो करो तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 100% सही हूं या फिर ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं होती, जैसे कि मैं पहले भी आपको बोलता हूं, बट मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूं आप लोगों की, जो स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं उनमें बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मैं ऐसे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो प्लीज, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए कि आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। ओके, तो अब जो दूसरा स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है शिल्पा मेडिकेयर। अभी देखो शिल्पा मेडिकेयर में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो, ठीक है। ये दोनों मेरा बाइंग टारगेट होगा 4, ठीक है, ये दोनों मेरा बाइंग एरिया होगा। अगर यहां पे वो आता है, इसको टच करके फिर ऊपर जाता है तो फिर यहां पे मैं बाइंग करूंगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 356, सेकंड टारगेट होगा 459। अभी देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया था जहां पे मैंने बोला आप लोगों को बाई करने के लिए, वो 300 से 296 का प्राइस था। अब मैं आपको चार्ट में कुछ चीज समझा देता हूँ। अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से जाके देखो, वो मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। ये जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्क किया था जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट कर रहा था, मैंने बोला कि अगर वो इस एरिया तक आता है तो फिर मैं बाइंग करना पसंद करूंगा, क्योंकि वो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करके जा रहा था, तो मैंने इस रिट्रेसमेंट का वेट करने के लिए आपको बोला था। बट अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये जो रेजिस्टेंस था जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद आपको जैसे कि मैंने अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के वीडियो में बताया कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और प्राइस अगर उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस करता है तो हमारे लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉपर बाइंग के लिए। अगर वो इस एरिया तक नहीं आया, देखिए वो रेजिस्टेंस के आसपास आया और वहीं सपोर्ट से उसने प्राइस को बाउंस किया। अगर इस एरिया से भी मैं यहाँ पे अगर परसेंटेज आपको दिखा दूं ना, ये देखिए इस एरिया से मैं मार्क करके रखा है और मैंने ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न मिला है हमें। कितने दिनों में, 1, 2, 3, 4, 5 दिनों के अंदर ही हमें नियर अबाउट 18% का रिटर्न मिला है। क्योंकि ये जो साइड वाले दिन है ना, अगर मैं इसको हटा भी दूं ना, ये देखो ये वाला कैंडल तक अगर मैं सिर्फ देखूं जहां तक इसने हाई लगाया, ये देखो 18% का रिटर्न है। 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में 18%। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए लाता हूं या जो मैं व्यूज अपना शेयर करता हूं, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, विश्वास मानो इस चीज को। मैं बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके आता हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि कोई भी मार्केट में 100% सही नहीं हो सकता, मैं भी गलत होऊंगा कभी ना कभी, और मैं गलत होऊंगा क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलत होना ही होना है क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, गारंटी पे नहीं। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप धीरे धीरे मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो, मैं कैसे टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, पूरे तरीके से अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे ना तो आप चीजों को समझोगे कि कैसे करके चीजों को देखता हूं मैं और कैसे करके मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए,
ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और अपने हिसाब से एनालिसिस करने के बाद, अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करने के बाद खुद से बाइंग कर सके। याद रखिएगा, मैं कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा, अगर आप करते हैं तो रिस्क भी आपका होगा, रिवॉर्ड भी आपका होगा। मैं ये वीडियोस बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अपने चैनल के ऊपर जब भी ऐसे अच्छी वीडियोस लेके आऊं, मैं डेली बेसिस पे स्टॉक्स के वीडियोस बनाता हूं तो आप उन वीडियो से नोटिफाइड हो सके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।